जायाधान किये कम कलम कदहे नीच निरंजन नान मऊ हे परमात्मन मे। ये प्रकरण चल रहा है ज्ञान और ज्ञेय का और विषय और विषयी का। हम लोगों के पास जानने की सामग्री मत ज्ञानात्मक श्रुत ज्ञानात्मक है जो कि इंद्रिय और मन के अधीन। हम किसी भी वस्तु या पदार्थ को डायरेक्ट नहीं जान सकते और जब तक डायरेक्ट नहीं जाना जाएगा तब तक वस्तु का सही सही परिचय प्राप्त नहीं हो सके। क्योंकि हमारा साधन पराश्रित है इसलिए हमें जो कुछ भी ज्ञान होता है वह भी एक प्रकार से अपूर्ण अधूरा और संदिग्ध। आचार्य परमेश जी जो कि गणधर देव होते उनके लिए भी शंकाएं होती, इसको देख करके सुन करके विस्मय होता ज्ञान की क्या दुर्दशा हुई है। जिन्हें मन परिज्ञान तक प्राप्त है उन्हें भी शंका होती क्योंकि शंका होना एक प्रकार से संदेह होना एक प्रकार से संसारी प्राणी का स्वभाव। अब इसीलिए तो यहां पर किसको किस रूप में अंगीकार करता है वो बताया जा रहा है। हम वरूपम मनु वै सुहम हम खतु हम से पूरे सुनऊ सर ये हम मन नहीं मूड विषे मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं मैं वैश्य हूं मैं क्षत्रिय हूं और मैं जो शेष रह गया वह मैं हूं। मैं पुरुष हूं मैं नपुंसक हूं मैं स्त्री हूं मैं मूढ़ हूं मैं और कुछ हूं। इस प्रकार ये हूं 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 चलता रहता है। यह पदार्थ के आलम्बन लेकर के इंद्रियों के माध्यम से जानने का ज्ञान कब हमारा छूटेगा हमें समझ में नहीं आता। इस ज्ञान के ऊपर अभिमान क्यों होता है? जिस ज्ञान के माध्यम से हमें पदार्थ का सही सही डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता वो अज्ञानी होगा मान मूर्ख ही होगा। इस प्रकार के ज्ञान के ऊपर मत करेगा। ज्ञानी होता है तो इस थोड़ा सा मिला हुआ ज्ञान इसके माध्यम से अपनी भूमिका में उतरने का प्रयास करता है। उस ज्ञानी की उस भीतरी परिणति के बारे में मूड हम जैसे लोगों का कभी भी परिचय बहुत कठिनाई से हुआ करता है क्योंकि हम लोग इंद्रियों के माध्यम से जानने के आदि बने हुए। यह निश्चित है कि जान करके हम ग्रहण करना चाहे तो तीन काल में हम तीन लोग को जान नहीं सकेंगे क्योंकि जानने योग्य सामग्री बहुत है और हमारे पास जानने का साधन बहुत कम है। इसलिए अनंत है क्या नहीं इसके ऊपर अनंत का ज्ञान करके फिर बाद में श्रद्धा नहीं हुआ करता किंतु अनंत है इसको श्रद्धा में पहले लाए जाए तभी जाकर के अनंत का उद्घाटन हो सकता है। पहले श्रद्धा फिर बाद में केवल ज्ञान।
हम अनंत को जानने के लिए पहले केवल ज्ञान पैदा करना चाहे फिर बाद में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता हो, ऐसा है ही नहीं। विश्वास की बात है, या जब तक अनुभव नहीं हो तब विश्वास कैसे करें? भैया विश्वास वहीं पर किया जाता है जहां पर अनुभूति नहीं होती। विश्वास करने की आवश्यकता नहीं जहां पर अनुभूति हो रही, अनुभव हो रहा, यह एक ऐसा विषय है। हम कैसे इसको नकारें? दिख रहा हूं मैं तो बिल्कुल ब्राह्मण तो हुई, मैं एक वैश्वी हुई, मैं वो है, मैं वो हूं, दुनिया मुझे देख रही उसी रूप में और मैं उसको नहीं नकारूं, ये कैसी बात है? यही आचार्य कहते हैं, मूढ़ वह है जो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से इंद्रिय के विषयों को ही लेकर के आनंद का अनुभव करता। यहां पर पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए मूढ़ नहीं, किंतु पढ़े लिखे भी इसमें मूढ़त्व का अनुभव कर जाते हैं, क्योंकि अपने आप को इस रूप में वो भी मान जाते हैं, इसलिए मानते रहते हैं, मूर्ख हो जाते हैं। सही पूछा जाए, यहां ज्ञानी चुप हो जाता है, उसकी वाणी मूक हो जाती है और इस बाजार से वह बाहर यहां से जल्दी जल्दी निकलना चाहता है। वनांत मा स्थिता, योगी भक्ति में पूज्यपाद स्वामी ने योगी उनके स्वभाव के बारे में प्रथम कारिका में ये कहा है, ये सब जान करके ही वे लोग वन के सहारा ले लेते हैं, और यही जान करके आप लोग या और कोई भी भवन का सहारा ले लेते हैं। यहां पर यदि सुख शांति का सहारा ठिकाना मिलता होता तो वो वन में कभी भी नहीं जा। इस पर्याय बुद्धि से ऊपर उठने का एक ही मात्र है कि वह इंद्रियों के व्यापार को छोड़ करके चुप हो जाओ और मन के माध्यम से जो कुछ भी आ रहा है अनुभव में उसको अवधिक भाव और सूक्ष्म भाव और वैभाविक भाव के अंतर्गत लेकर के बैठ जाओ। वो चाहे सम्यक दर्शन भी हो तो भी उसके ऊपर सम्यक दृष्टि अभिमान नहीं करता, मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वह सम्यक दर्शन भी वर्तमान है, उसका वह नैमित्तिक भाव है। इसलिए ये एक नॉमिनल अंतर्दृष्टि बनाने के लिए जो कुछ ज्ञान है वह अंतर्दृष्टि के लिए कारण हो जाता है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है, नहीं तो दुनिया को जानने के लिए यह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। दुनिया को जानने वाला ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि रूपी पदार्थ को देख करके हमें सम्यक दर्शन नहीं बनाना है, किंतु आद पदा ने आत्मा के प्रधान जो तत्व है उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाए और वह संवेदन से ही मिल सकता है। इसलिए संवेदन को परम प्रमाण माना है अध्यात्म ग्रंथों में, क्योंकि सम्यक ज्ञान बाहरी पदार्थ की अपेक्षा से कथन करता है तो भीतरी संवेदन ज्ञान अनुभूति की बात करता है, जिसको प्राप्त हमें करना उसको ज्ञान हमें हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता जो कि सब पर्यायों से वो ऊपर उठा हुआ रहता है। ही अहम वर विशिष्ट ब्राह्मण अहम वैश्यो वनिक अहम क्षत्रियो अहम शेष शूद्रादि पुनः हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, शेष का अर्थ शूद्रादिक हूँ, पुनः कथम भूत और कैसे हूँ, मैं मूढ़ हूँ, विशेष पुरुष हूँ, नपुंसक हूँ, स्त्रीलिंग हूँ, पुल्लिंग हूँ, इस प्रकार मूढ़ो विशेषम ब्राह्मणादि विशेषम इति भवते। वह मूढ़ ही होता है जो इस प्रकार के बाहरी प्रत्यय को लेकर के अपने आप का ज्ञान करना चाहता है। इदम अत्र तात्पर्यम, यह यहाँ पर तात्पर्य है, यन निश्चयन परमात्मनः भिन्नान अपि, जो निश्चयन की अपेक्षा से परमात्मा से भिन्नभूत कर्म जनितान जो कर्म के उद्देश्य हुए हैं, ब्राह्मणादि भेदान ब्राह्मण आदि के वेदों को सर्व प्रकारेण हे भूतान
सभी प्रकार से ये हे भूत हैं, मोक्ष मार्ग में इनका कोई भी हाथ नहीं है। हे भूतान कहते हैं, कैसे है वो? सर्व प्रकार है ना, सभी प्रकार से ये मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार के लिए स्थान नहीं रखना चाहिए। यदि दे दिया तो रागादि के कारण हो जाएगा, और रागादि का कारण हुआ नहीं, निश्चित रूप से पुनः आगे आगे के लिए विराग प्रणाली चलेगी। निश्चयेन उपादे भूते वीतराग सदानंद एक स्वभावे स्वशुद्धात्मनि वियोजयति संबद्धान करोति। वशुद्ध बुद्ध आत्म तत्व जो वीतराग है, उपादे भूत है, उसमें भी इन्हीं को नियोजित कर लेता है, फल स्वरूप वह शुद्धात्मा से वंचित रह जाता है। जो व्यक्ति मद का, जो व्यक्ति इस प्रकार पर्याय बुद्धि का आलम्बन लेने वाला, क्या वीतराग प्रभु का दर्शन कर सकेगा? आंखों के द्वारा वीतराग प्रभु का दर्शन नहीं होता। आंखों के द्वारा तो संगमरमर की प्रतिमा का दर्शन होता है, और उसी के साथ साथ जुड़ जाता है, ये हमने प्रतिष्ठापना कराई है, हमने 1,00,000 रुपए लगाया है, हमने 2,00,000 रुपए लगाए हैं, हमने मेला भरवाए हैं, हमने ऐसे खाना खिलाए हैं, ऐसे ऐसे प्रशस्ति हमने खुदवाई है, और उसमें बरसों के हमारे बाप दादाओं ने अपने इतिहास बनाया है, जो आज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ऐसा कह देता है तो उसे वह प्रतिमा के माध्यम से कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वह संगमरमर प्रतिभा को ही वह मान रहा। तो प्रेम नहीं करे, नहीं करे, ऐसा नहीं कि वह मूर्ति के माध्यम से उस भीतरी वीतरागता को देख लेता है। इनके पास तिल तुष्मात्र भी परिग्रह नहीं, ये आरंभ नहीं करते, ये राग द्वेष नहीं करते, यदि कर जाते तो इनकी चेष्टा ऐसी नहीं होती। अताम्र नैनोत्पलम सकल कोप वन निर्जयात, सभी प्रकार की कोप रूपी अग्नि को इन्होंने जीत लिया है, इसलिए इनका यह रूप बताया जा रहा है। ताम्र नैनोत्पलम, इनकी आंखें लाल लाल नहीं है, इनके होंठ तो लाल हैं, हैं? इनके होंठ तो लाल है लेकिन आंखें लाल लाल नहीं है, क्योंकि आंखों में ललाई आना द्वेष का और राग द्वेष का प्रतीक है। भगवान की आंखें लाल नहीं है, ताम्र नैनोत्पलम नील कमल के समान उनकी आंखें हैं, और होंठ जो हैं बिंब के फल के समान लाल है, लाल टमाटर के समान है, यह प्रतीक है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि यदि इसी की चमक जो है यहाँ पर आ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि भैया वहां पर पास मत जाओ क्योंकि आंखें लाल हैं, तो फिर ठीक है भैया वहां पर भी पास मत जाओ क्योंकि उनकी आंखें सफेद है, उनकी आंखें सफेद हो गई ये भी ठीक नहीं, क्योंकि वो मर गया माना जाता है, और ये आंखें लाल है वहां पर बजाओ मत भी क्योंकि आपा में नहीं है वो, ये भी माना जाता है। स्वभाव कैसे है भगवान का? ऐसा है। तो इस बिंब का अर्थ यही तात्पर्य है कि हमें वीतरागता प्राप्त करना है, शरीर के अवगाहना के माध्यम से प्रभु का दर्शन नहीं होता, क्योंकि शरीर आदि अंगों पांग इत्यादि के माध्यम से केवल इंद्रिय रूप ज्ञान होता है, और इसके माध्यम से भीतर जाना पड़ता है कि हमारे प्रभु ये नहीं, शरीर से प्रभु नहीं है, किंतु शरीर में जो बैठी आत्मा है वह अनंत चतुष्टय से युक्त है, वह वीतराग है, इसलिए बाहर जो है किसी प्रकार का परिग्रह आरंभ नहीं है। ऐसा ध्यान किया जाता है तब वह सम्यक दर्शन होता अथवा प्रभु का सही दर्शन होता। केवल प्रभु का दर्शन का अर्थ यह नहीं, जीवित अवस्था में भी प्रभु के दर्शन तो उन्हीं को होते हैं जो व्यक्ति भीतरी दृष्टि रखता है, नहीं तो ये शांतराग रुचि भी परमानुभिस्तम। क्या इसमें क्या शरीर का रंग होता नहीं? हे भगवान, इस प्रकार का जो शरीर का बनावट, इस प्रकार शरीर का जो निर्माण हुआ वह आपका ही हुआ, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ ऐसा संबंध है, और तीर्थंकर प्रकृति और किसी को बनने को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए आपका यह शरीर अलौकिक है,
दुनिया में और किसी का नहीं। इसमें भी यही दृष्टि भरी हुई है, शरीर को नहीं देखा जा रहा, अन्य शरीर से इसमें भिन्नता है। वो भिन्नता क्यों आ गई? इंद्र प्रवृत्ति की विशेषता है। भीतर की आत्मा की बात हम सोचते हैं तो यह सारा सारा दृश्य गौण हो जाता है, और यह है गौण क्या, अपने आप इसका मूल्य घट जाता है, जो हमने बढ़ाया था घट जाता, बल्कि यह बॉडी का भी नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे गुणों का उभार होता जाता है, वैसे वैसे यह उसका प्रतीक बन जाता है। देखो भीतर यदि गुण है तो बाहर इस प्रकार का आचरण हो जाता है, इस प्रकार की वृत्ति उसकी बन जाती है। इसके माध्यम से अनुमान लगाना चाहिए, इसके माध्यम से स्वतः ज्ञान पैदा कर लेना चाहिए और अपनी वृत्ति को शांत बनाने का प्रयास करना है। नहीं तो बाहरी दृष्टि को लेकर के किसी भी प्रकार के सम्य दर्शन का तालमेल नहीं होता। सर्व प्रकार नहीं है, भूत है ये, ऐसा समझ लेना चाहिए। को असो कथम भूत अज्ञान परिणत, अज्ञान के साथ परिणाम होने का यह प्रतिफल होता है। तो शुद्धात्म तत्व भावना रहित मूढ़ आत्मा, अपने शुद्ध आत्म तत्व की भावना से रहित होने का फल यह निकलता वह मूढ़ आत्मा हो जाता है, मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञान से परिणत हुआ रहता है। पहले गुण स्थान और दूसरे गुण स्थान नहीं है, कोई अपने आप को स्त्री मान लेता, अपने आप को पुरुष मान लेता, अपने आप को अपने ब्राह्मण मान लेता, अपने आप को वो मान लेता, अपने आप को ये मान लेता है। इसके साथ जो कुछ भी होगा वह मूड है। भावना किस रूप में, वहां पर भावना किस रूप में, जिस रूप में नहीं होते हुए भावना करे। शांत बैठो, हम भावना भा रहे हैं तो हम भावना पर कौन भावना भा रहे हैं, अपने आप को क्या समझा। हम भावना भा रहे हैं ऐसा कहने वाला भी उस चपेट में आ जाता है। मतलब वीतराग निर्विकल समाधि में बैठ करके कल जैसे कहा था उस प्रकार हो तो वह निश्चित रूप से गूढ़ आत्मा माना जा सकता है, नहीं तो वह मूढ़ आत्मा माना जाता। वो ठीक है, वो मानता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं। वीतराग स्वसंवेदन स्वभावी कह रहे हैं, स्वसिद्धापन भी योजित जो कि वह उपाधेय भूत है, उस समय कोई निर्विकल्पता रहती है। अब भाता है लेकिन वह यहां पर नहीं है, अनेक प्रकार की भावना। हाँ, भी निर्विकल्पता के साथ जुड़ करके जो कुछ भी भावना होती है उस भावना से यहां पर तात्पर्य है। जो एकांत रूप से उपाधेय रूप है, कारण समयसा रूप है, तरुण मूढ़ रूयड़ पंड्योद्यो कवनव बंदव सेवड़ो मूढ़व बन्नै सौ। मैं तरुण हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं शूर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं खवनव, मैं क्षपन हूँ, क्षपन मैंने कर्म का क्षपन करने वाला हूँ, मैं वंदव, मैं वंदक हूँ, मैं सेवड़ हूँ, मैं अच्छा सेवक नहीं श्वेत पट वाला हूँ, मैं वो बलवा हूँ। इस प्रकार जो यह मूड लोग ही समझते हैं। हाँ हाँ, नहीं मानता तो बहुत अच्छी बात है, शराब मत कहो। शायद सम्य दृष्टि भी ऐसा कह सकता है, कहता है मैं चक्रवर्ती हूँ, अन्यथा चक्र नहीं चल सकता। चक्र चक्र जो चल गया वह व्यवहार से चला, मतलब व्यवहार से बाहुबली को मारने का विचार किया। ठीक है, तो किया तो है व्यवहार से। हाँ व्यवहार से, हम कहा कह रहे हैं निश्चय से। निश्चय से तो निगोदिया जीव भी शुद्ध है, सिद्ध परमिष्ट के समान है, सभ्य शुद्ध आओ शुद्ध नया। हाँ निश्चय में तो मरण ही नहीं होता, निश्चय में तो मारना नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। ये विकल्प ऐसा हो गया कि वह कहीं चक्र को ही कुछ गुस्सा आ गया, वो लगता है ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब सोचा कि भाई यहाँ पर शुद्ध निश्चय ने किया, सारे सारे कोप से रहित हो गए, और वह सोचने लगा यहाँ पर तो अन्याय हो रहा है सामने सामने, इसलिए वह लड़कर लड़ने के लिए निकल गया। वो
कहा भी यही जाता है कि अब बुद्धि पूर्वक चल गया तो ठीक है, चक्र को तो बुद्धि तो थी नहीं, चल रहे होगा, फिसल गया होगा, कुछ लोग फिसल गया ऐसे भी मानते हैं, यहाँ पर उंगली में से क्यों फिसल गए, फिसल गया ठीक है, बुद्धि से जब फिसल जाता है तभी तो वह निकल जाएगा, ये निश्चित है। तो उस समय वह विवक्षा नहीं मानी जाती है, क्योंकि जब तक व्यापार कुछ हो रहा है तो वह व्यापार बताता है कि भीतर प्रत्यय कौन सा चल रहा है। ड्राइविंग करने वाला थोड़ी ड्राइविंग यूं यूं कर रहा है और किनारे किनारे ले रहा है, इसका अर्थ यह है या तो सामने को लेकर के ले रहा है या तो पीछे से हॉर्न का जो आवाज सुन करके ले रहा है, अथवा और कोई कारण है ही नहीं वहां पर। निश्चित होता है कि हमारी चेष्टाओं में जो अंतर आता है वह अंतर ही बता देता है कि अंतर घटना कुछ न कुछ हो रही है, उसके बिना संभव ही नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन हो करके भी उस भावना में यदि इस प्रकार का कुछ भी है, निश्चित रूप से वह उस व्यापार के अनुरूप ही मूढ़ कहलाएगा। निर्विकल समाधि जो चुत होता है तो बैरात्मा मूढ़ात्मा सरागी आदि आदि कह देते हैं। तरुण यौवनस्तो अहम वृद्धो अहम रूप रूपी अहम सूर्य अहम सुबटो अहम पंडितो अहम दिव्यो अहम पुनस्य किमिष्ट और कैसा हूँ, सपनों को हम दिगंबरो हम वंदको हम बौद्धो हम श्वेत पटो हम। दिगंबर के लिए क्या कहा है यहाँ पर, सपन का अर्थ है दिगंबरो हम, वंदको हम बौद्धो हम श्वेत पटादि लिंग धारको हम इत्यादि मूढ़ात्मा सर्वमन्यते इति, मैं दिगंबर हूं ऐसा होता तो वो वन में कभी भी नहीं गया। इस पर्याय बुद्धि से ऊपर उठने का एक ही मात्र है कि वह इंद्रियों के व्यापार को छोड़ करके चुप हो जाओ और मन के माध्यम से जो कुछ भी आ रहा है अनुभव में उसको अवधिक भाव और सूक्ष्म भाव और वैभाविक भाव के अंतर्गत लेकर के बैठ जाओ। चाहे सम्यक दर्शन भी हो तो भी उसके ऊपर सम्यक दृष्टि अभिमान नहीं करता, मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वह सम्यक दर्शन भी वर्तमान में उसका वह नैमित्तिक भाव है, इसलिए ये एक नॉमिनल अंतर्दृष्टि बनाने के लिए जो कुछ ज्ञान है वह अंतर्दृष्टि के लिए कारण हो जाता है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है, नहीं तो दुनिया को जानने के लिए यह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। दुनिया को जानने वाला ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि रूपी पदार्थ को देख करके हमें सम्यक दर्शन नहीं बनाना है, किंतु आद पदाने आत्मा के प्रधान जो तत्व है उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाए और वह संवेदन से ही मिल सकता है, इसलिए संवेदन को परम प्रमाण माना है अध्यात्म ग्रंथों में, क्योंकि सम्यक ज्ञान बाहरी पदार्थ की अपेक्षा से कथन करता है तो भीतरी संवेदन ज्ञान अनुभूति की बात करता है, जिसको प्राप्त हमें करना उसको ज्ञान हमें हो जाता है, इसलिए आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता जो कि सब पर्यायों से वो ऊपर उठा हुआ रहता है। ही अहम वर विशिष्ट ब्राह्मण अहम वैश्यो वनिक अहम क्षत्रियो अहम शेष शूद्रादि पुनः हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ मैं वैश्य हूँ मैं क्षत्रिय हूँ शेष का अर्थ शूद्रादिक हूँ पुनः कथम भूत और कैसे हूँ, मैं मूढ़ हूँ विशेष पुरुष हूँ नपुंसक हूँ स्त्रीलिंग हूँ पुल्लिंग हूँ, इस प्रकार मूढ़ो विशेषम ब्राह्मणादि विशेषम इति भवते। वह मूढ़ी होता है जो इस प्रकार के बाहरी प्रत्यय को लेकर के अपने आप का ज्ञान करना चाहता है। इदम अत्र तात्पर्यम, यह यहाँ पर तात्पर्य है, यन निश्चयनेन परमात्मनः भिन्नान अपि, जो निश्चयन की अपेक्षा से परमात्मा से भिन्नभूत कर्म जनितान जो कर्म के उद्देश्य हुए हैं ब्राह्मण आदि भेदान ब्राह्मण आदि के भेदों को सर्व प्रकार हे भूतान, सभी प्रकार से ये हे भूत हैं, मोक्ष मार्ग में इनका कोई भी हाथ नहीं है। हे भूतान कहते हैं कैसे है वो, सर्व प्रकार है ना,
सभी प्रकार से ये मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार के लिए स्थान नहीं रखना चाहिए। यदि दे दिया तो राग आदि के कारण हो जाएगा, और राग आदि का कारण हुआ नहीं, निश्चित रूप से पुनः आगे आगे के लिए विराग प्रणाली चलेगी। निश्चय उपाधे भूते वीतराग सदानंद एक स्वभावे स्वशुद्धात्मणि वियोजेति संबद्धान करोते। वह शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व जो वीतराग है, उपाधे भूत है, उसमें भी इन्हीं को नियोजित कर लेता है, फल स्वरूप वह शुद्धात्मा से वंचित रह जाता है। जो व्यक्ति मद का, जो व्यक्ति इस प्रकार पर्याय बुद्धि का आलम्बन लेने वाला, क्या वीतराग प्रभु का दर्शन कर सकेगा? आंखों के द्वारा वीतराग प्रभु का दर्शन नहीं होता। आंखों के द्वारा तो संगमरमर की प्रतिमा का दर्शन होता है और उसी के साथ साथ जुड़ जाता है, ये हमने प्रतिष्ठापना कराई है, हमने 1,00,000 रुपए लगाया है, हमने 2,00,000 रुपए लगाए हैं, हमने मेला भरवाए हैं, हमने ऐसे खाना खिलाए हैं, ऐसे ऐसे प्रशस्ति हमने खुदवाई है, और उसमें बरसों के हमारे बाप दादाओं ने अपने इतिहास बनाया है जो आज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ऐसा कह देता है तो उसे वह प्रतिमा के माध्यम से कोई लाभ नहीं मिला ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वह संगमरमर प्रतिभा को ही वह मान रहा। तो प्रेम नहीं करे, नहीं करे, ऐसा नहीं कि वह मूर्ति के माध्यम से उस भीतरी वीतरागता को देख लेता है। इनके पास तिल तुष्मात्र भी परिग्रह नहीं, ये आरंभ नहीं करते, ये राग द्वेष नहीं करते, यदि कर जाते तो इनकी चेष्टा ऐसी नहीं होती। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप वन निर्जया, सभी प्रकार की कोप रूपी अग्नि को इन्होंने जीत लिया है, इसलिए इनका यह रूप बताया जा रहा है ताम्र नयनोत्पलम। इनकी आंखें लाल लाल नहीं है, इनके होंठ तो लाल हैं, हैं? इनके होंठ तो लाल है लेकिन आंखें लाल लाल नहीं है, क्योंकि आंखों में ललाई आना द्वेष का और राग द्वेष का प्रतीक है। भगवान की आंखें लाल नहीं है, ताम्र नयनोत्पलम नील कमल के समान उनकी आंखें हैं, और होंठ जो हैं बिंब के फल के समान लाल है, लाल टमाटर के समान है, यह प्रतीक है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि यदि इसी की चमक जो है यहाँ पर आ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि भैया वहां पर पास मत जाओ क्योंकि आंखें लाल हैं। तो फिर ठीक है भैया वहां पर भी पास मत जाओ क्योंकि उनकी आंखें सफेद है, उनकी आंखें सफेद हो गई ये भी ठीक नहीं, क्योंकि वो मर गया माना जाता है, और ये आंखें लाल है वहां पर बजाओ मत भी क्योंकि आपा में नहीं है वो, ये भी माना जाता है। स्वभाव कैसे है भगवान का, ऐसा है। तो इस बिंब का अर्थ यही तात्पर्य है कि हमें वीतरागता प्राप्त करना है। शरीर की अवगाहना के माध्यम से प्रभु का दर्शन नहीं होता, क्योंकि शरीर आदि अंगों पांग इत्यादि के माध्यम से केवल इंद्रिय रूप ज्ञान होता है, और इसके माध्यम से भीतर जाना पड़ता है कि हमारे प्रभु ये नहीं, शरीर से प्रभु नहीं है, किंतु शरीर में जो बैठी आत्मा है वह अनंत चतुष्टय से युक्त है, वह वीतराग है, इसलिए बाहर जो है किसी प्रकार का परिग्रह आरंभ नहीं है। ऐसा ज्ञान किया जाता है तब वह सम्यक दर्शन होता अथवा प्रभु का सही दर्शन होता। केवल प्रभु का दर्शन का अर्थ यह नहीं, जीवित अवस्था में भी प्रभु के दर्शन तो उन्हीं को होते हैं जो व्यक्ति भीतरी दृष्टि रखता है, नहीं तो ये शांतराग रुचि भी परमाणु विस्तम। क्या इसमें क्या शरीर का रंग होता नहीं, हे भगवान इस प्रकार का जो शरीर का बनावट, इस प्रकार शरीर का जो निर्माण हुआ वह आपका ही हुआ, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ ऐसा संबंध है, और तीर्थंकर प्रकृति और किसी को बनने को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए आपका यह शरीर अलौकिक है, दुनिया में और किसी का नहीं। इसमें भी यही दृष्टि भरी हुई है, शरीर को नहीं देखा जा रहा, अन्य शरीर से इसमें भिन्नता है, वो भिन्नता क्यों आ गई, तीर्थंकर प्रकृति की विशेषता है,
भीतर की आत्मा की बात हम सोचते हैं तो यह सारा सारा दृश्य गौण हो जाता है। और यह है गौण क्या, अपने आप इसका मूल्य घट जाता है, जो हमने बढ़ाया था घट जाता, बल्कि यह बॉडी का भी नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे गुणों का उभार होता जाता है वैसे वैसे यह उसका प्रतीक बन जाता है। देखो भीतर यदि गुण है तो बाहर इस प्रकार का आचरण हो जाता है, इस प्रकार की वृत्ति उसकी बन जाती है। इसके माध्यम से अनुमान लगाना चाहिए, इसके माध्यम से स्वतः ज्ञान पैदा कर लेना चाहिए और अपनी वृत्ति को शांत बनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बाहरी दृष्टि को लेकर के किसी भी प्रकार के सम्य दर्शन का तालमेल नहीं होता। सर्व प्रकार नहीं भूत है ये, ऐसा समझ लेना चाहिए। को असौ कथम भूत अज्ञान परिणत, अज्ञान के साथ परिणाम होने का यह प्रतिफल होता है। तो शुद्धात्म तत्व भावना रहित मूढ़ आत्मा, अपने शुद्ध आत्म तत्व की भावना से रहित होने का फल यह निकलता वह मूढ़ आत्मा हो जाता है, मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञान से परिणत हुआ रहता है। पहले गुणस्थान और गुणस्थान नहीं है, कोई अपने आप को स्त्री मान लेता, अपने आप को पुरुष मान लेता, अपने आप को अपने ब्राह्मण मान लेता, अपने आप को वो मान लेता, अपने आप को ये मान लेता है। इसके साथ जो कुछ भी होगा वो मूड है। भावना किस रूप में, बोलो वहां पर भावना किस रूप में, जिस रूप में नहीं होते हुए भावना करे। शांत बैठो, हम भावना भा रहे हैं तो हम भावना पर कौन भावना भा रहे हैं, अपने आप को क्या समझा। हम भावना भा रहे हैं ऐसा कहने वाला भी उस चपेट में आ जाता है। मतलब वीतराग निर्विकल समाधि में बैठ करके कल जैसे कहा था उस प्रकार हो तो वह निश्चित रूप से गूढ़ आत्मा माना जा सकता है, नहीं तो वह मूढ़ आत्मा माना जाता है। वो ठीक है, वो मानता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं। वीतराग स्वसंवेदन स्वभाविक कह रहे हैं, स्वसिद्धापन भी योजित जो कि वह उपाधेय भूत है, उस समय कोई निर्विकल्पता रहती है। अब भाता है लेकिन वह यहाँ पर नहीं है, अनेक प्रकार की भावना। हाँ, निर्विकल्पता के साथ जुड़ करके जो कुछ भी भावना होती है उस भावना से यहाँ पर तात्पर्य है। जो एकांत रूप से उपाधेय रूप है, कारण समयसा रूप है। तरुण मूढ़ रूयड़ सूरव पंड्यो दो कवनव बंदव सेवड़ मूढ़ बन सौ। मैं तरुण हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं शूर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं खवन हूँ, मैं क्षपन हूँ, क्षपन मैंने कर्म का क्षपन करने वाला हूँ, मैं वंद हूँ, मैं वंदक हूँ, मैं सेवड़ हूँ, मैं अच्छा सेवक नहीं श्वेत पट वाला हूँ, मैं वो बलवा हूँ। इस प्रकार जो यह मूड लोग ही समझते हैं। हाँ हाँ नहीं मानता तो बहुत अच्छी बात है, शराब को मत कहो। शायद सम्य दृष्टि भी ऐसा कह सकता है, कहता है मैं चक्रवर्ती हूँ, अन्यथा चक्र नहीं चल सकता। चक्र चक्र जो चल गया वह व्यवहार से चला, मतलब व्यवहार से बाहुबली को मारने का विचार किया। ठीक है, तो किया तो है व्यवहार से। हाँ व्यवहार से, हम कहा कह रहे हैं निश्चय से। निश्चय से तो निगोदिया जीव भी शुद्ध है, चित्त परमिष्ट के समान है, सभ्य शुद्ध आओ शुद्ध नया। हाँ निश्चय में तो मरण ही नहीं होता, निश्चय में तो मारना नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। ये विकल्प ऐसा हो गया कि वह कहीं चक्र को ये कुछ गुस्सा आ गया, वो लगता है ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब सोचा कि भाई यहाँ पर शुद्ध निश्चय ने क्या भी क्यों आ गई। इस प्रवृत्ति की विशेषता है, भीतर की आत्मा की बात हम सोचते हैं तो यह सारा सारा दृश्य गौण हो जाता है। और यह है गौण क्या, अपने आप इसका मूल्य घट जाता है, जो हमने बढ़ाया था घट जाता, बल्कि यह बॉडी का भी नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे गुणों का उभार होता जाता है वैसे वैसे यह
उसका प्रतीक बन जाता है। देखो भीतर यदि गुण है तो बाहर इस प्रकार का आचरण हो जाता है, इस प्रकार की वृत्ति उसकी बन जाती है। इसके माध्यम से अनुमान लगाना चाहिए, इसके माध्यम से श्रुत ज्ञान पैदा कर लेना चाहिए और अपनी वृत्ति को शांत बनाने का प्रयास करना है। नहीं तो बाहरी दृष्टि को लेकर के किसी भी प्रकार के सम्य दर्शन का तालमेल नहीं होता। सर्व प्रकार नहीं भूत है ये, ऐसा समझ लेना चाहिए। को असौ कथम भूत अज्ञान परिणत, अज्ञान के साथ परिणाम होने का यह प्रतिफल होता है। तो शुद्धात्म तत्व भावना रहित मूढ़ आत्मा, अपने शुद्ध आत्म तत्व की भावना से रहित होने का फल यह निकलता वह मूढ़ आत्मा हो जाता है, मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञान से परिणत हुआ रहता है। पहले गुणस्थान और उच्च गुणस्थान नहीं है, कोई अपने आप को स्त्री मान लेता, अपने आप को पुरुष मान लेता, अपने आप को अपने ब्राह्मण मान लेता, अपने आप को वो मान लेता, अपने आप को ये मान लेता है। जिसके साथ जो कुछ भी होगा वो मूड है। भावना किस रूप में, वहां पर भावना किस रूप में, जिस रूप में नहीं होते हुए भावना करें। शांत बैठो, हम भावना भा रहे हैं तो हम भावना पर कौन भावना भा रहे हैं, अपने आप को क्या समझा। हम भावना भा रहे हैं ऐसा कहने वाला भी उस चपेट में आ जाता है। मतलब वीतराग निर्विकल समाधि में बैठ करके कल जैसे कहा था उस प्रकार हो तो वह निश्चित रूप से मूढ़ आत्मा माना जा सकता है, नहीं तो वह मूढ़ आत्मा माना जाता है। वो ठीक है, वो मानता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं। वीतराग स्वसंवेदन स्वभाव ही कह रहे हैं, स्वसिद्धापन भी योजित जो कि वह उपाधेय भूत है, उस समय कोई निर्विकल्पता रहती है। अब भाता है लेकिन वह यहाँ पर नहीं है, अनेक प्रकार की भावना। हाँ, वी निर्विकल्पता के साथ जुड़ करके जो कुछ भी भावना होती है उस भावना से यहाँ पर तात्पर्य है। जो एकांत रूप से उपाधेय रूप है, कारण समयसा रूप है। तरुण मूढ़ रूयड़ सूरौ पंड्योद्यौ कवनौ बंधौ सेवड़ौ मूढ़ौ मन्नैसौ। मैं तरुण हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं शूर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं खवन हूँ, मैं क्षपन हूँ, क्षपन मैंने कर्म का क्षपन करने वाला हूँ, मैं वंद हूँ, मैं वंदक हूँ, मैं सेवड़ हूँ, मैं अच्छा सेवक नहीं श्वेत पट वाला हूँ, मैं वो बलवा हूँ। इस प्रकार जो ये मूढ़ लोग ही समझते हैं। हाँ हाँ नहीं मानता तो बहुत अच्छी बात है, शराब को मत कहो। शायद सम्य दृष्टि भी ऐसा कह सकता है, कहता है मैं चक्रवर्ती हूँ, अन्यथा चक्र नहीं चल सकता। चक्र चक्र जो चल गया वह व्यवहार से चला, मतलब व्यवहार से बाहुबली को मारने का विचार किया। ठीक है, तो किया तो है व्यवहार से। हाँ व्यवहार से, हम कहा कह रहे हैं निश्चय से। निश्चय से तो निगोदिया जीव भी शुद्ध है, सिद्ध परमिष्टि के समान है, सव्य शुद्ध आओ शुद्ध नया। निश्चय में तो मरण ही नहीं होता, निश्चय में तो मारना नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। ये विकल्प ऐसा हो गया कि वह कहीं चक्र को ही कुछ गुस्सा आ गया, वो लगता है ऐसा ही लगता है। क्योंकि अब सोचा कि भाई यहाँ पर शुद्ध निश्चय ने किया, सारे सारे कोप से रहित हो गए, और वह सोचने लगा यहाँ पर तो अन्याय हो रहा है सामने सामने, इसलिए वह लड़ने के लिए निकल गया। वो कहा भी यही जाता है कि अब बुद्धि पूरा चल गया तो ठीक है, चक्र को तो बुद्धि तो थी नहीं, चल गया होगा, फिसल गया होगा। कुछ लोग फिसल गया ऐसे भी मानते हैं, यहाँ पर उंगली में से क्यों फिसल गए, फिसल गया ठीक है, बुद्धि से जब फिसल जाता है तभी तो वह निकल जाएगा। ये निश्चित है जो तो उस समय वह विवक्षा नहीं मानी जाती है, क्योंकि जब तक व्यापार कुछ हो रहा है तो वह व्यापार बताता है कि भीतर प्रत्येक कौन सा चल रहा है।
ड्राइविंग करने वाला थोड़ी ड्राइविंग यूं कर रहा है और किनारे किनारे ले रहा है, इसका अर्थ यह है या तो सामने को लेकर के ले रहा है या तो पीछे से हॉर्न के जो आवाज सुन करके ले रहा है, अथवा और कोई कारण है ही नहीं वहां पर। ये निश्चित होता है कि हमारी चेष्टाओं में जो अंतर आता है वह अंतर ही बता देता है कि अंतर घटना कुछ न कुछ हो रही है, उसके बिना संभव ही नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन हो करके भी उस भावना में यदि इस प्रकार का कुछ भी है, निश्चित रूप से वह उस व्यापार के अनुरूप ही मूढ़ कहलाएगा। निर्विकल समाधि जो चुत होता है तो बैरात्मा मूढ़ात्मा सरागी आदि आदि कह देते हैं। तरुण यौवनस्तो अहम वृद्धो अहम रूप रूपी अहम सूर्य अहम सुबटो अहम पंडितो अहम दिव्यो अहम पुनस्य किमिश्चित और कैसा हूँ, छपनो को हम दिगंबरो हम वंदको हम बौद्धो हम श्वेत पटो हम। दिगंबर के लिए क्या कहा है यहाँ पर, छपन का अर्थ है दिगंबरो हम, वंदको हम बौद्धो हम श्वेत पटादि लिंग धारको हम इत्यादि मूढ़ात्मा सर्व मन्यते इति, मैं दिगंबर हूं ऐसा कहना भी मूंगी के साथ वह भी एक प्रकार से कपड़ा पहनना ही है, क्योंकि वह कपड़ा विकल्प का पहनना है। कर्म को जो क्षय करने के लिए दिगंबर होना पड़ता है, क्षपन हो गया और वो इसी में मानने लगा है? अब टिकट खरीदता है, मैं यात्री हूं, गलत बात, टिकट खरीदने वाला यात्री नहीं होता, टिकट खरीद करके दूसरे को बेचा भी जा सकता। कुछ लोग इसका व्यवसाय भी करते हैं, कटी टिकट पहले खरीद लेते हैं फिर उस बुकिंग कर लेते हैं, बेचते हैं। जैसे प्लॉट ले रहे हैं, इसका अर्थ ये थोड़ी की बिल्डिंग बना रहे हैं, प्लॉट लेते हैं बेच देते हैं, बेचने के लिए तो प्लॉट ले आ जाता है। जो प्लॉट लेते हैं वो घर वाले रहते हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं रहता, किराए मकान में भी रह सकते हैं, लेकिन प्लॉट खरीद रहे हैं इसलिए उसके द्वारा व्यवसाय कर रहे हैं। इसी प्रकार टिकट लेने मात्र से तो कोई भी यात्री अपने आप को समझने लग जाए ऐसी बात नहीं है। जो यात्री जिनको टिकट खरीदने का साहस नहीं होता है, दुबले पतले रहते हैं, तो उनके ये खरीद करके दे देते हैं, लेकिन भैया भाई इतना जब तो दो में खरीदा तीन रुपए देंगे तो देंगे, नहीं तो जो मरो वहां पर निश्चित बात है, वो कहते हैं वहां पर हाथ निकलना मुश्किल हो जाएगा, हम तो साहसी थे और उसमें हाथ डाल करके लेकर के आए, पसीना पसीना हो जाता है, सीना दुख दुख करने लग जाता है, भीतर जाकर के बाहर आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तीन रुपए भी कह दो तो हम लेने के लिए तैयार है। तो इसलिए यात्री कौन हुआ, जो बैठता है मोटर में या गाड़ी में वह चलता है वो यात्री माना जाता है, बाकी यात्री नहीं माने जाते टिकट खरीदने वाले, इसलिए टिकट मास्टर यात्री नहीं माना जाता, टिकट तो टिकट ले। इसलिए ऐसा मत समझो कि दिगंबर अपने आप को मानना भी क्या हुआ, देखो छपन को भी अयमत्र तात्पर्य क्या तात्पर्य, यद्यपि व्यवहारेन अभिन्नान तथापि निश्चयेन वीतराग सदानंद एक स्वभावात् परमात्मन भिन्नान कर्मोदय उत्पन्नान तरुण वृद्धादि विभाव पर्यायान हेयानपि साक्षात उपाधे भूते स्वशुद्धात्मतत्वे नियोजयति। क्या कहता, व्यवहार से जो भिन्न भूत हैं निश्चयेन की अपेक्षा से वीतराग सदानंद एक स्वभाव परमात्मा से जो भिन्न, व्यवहार के अपेक्षा से अभिन्न, कर्मों से उत्पन्न, तरुण है वृद्ध अवस्था आदि विभाव पर्याय जो है भूत है निश्चय से साक्षात उपाधि भूत जो शुद्धात्मा में वह निकाल करके लगा देता है। निर्जराधिकार में या बंदाधिकार में या संवर अधिकार में कहते हैं, जह कनय मक्कितव्यंति कनय सहावम न तम परिचय दे, यही है ना, तहकं मोदय तविदो न जदिनानि दुनानि तम एवं जानदिनानि अन्नानि मुनदिराय मे वादम्।
अन्नान तमो छन्नो आदसावम अयानंतो। आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता हुआ अज्ञानमय रागी द्वेषी आत्मा अपने आप को राग रूप ही आरोपित करता है। ज्ञानी तो उस स्वर्ण के समान, जैसे स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता तपाने के उपरांत भी, उसी प्रकार कर्म के द्वारा तपाने के उपरांत, तपने के उपरांत भी ज्ञानी कभी भी तपता नहीं है, यानी वह कभी राग द्वेष नहीं करता है। जैसे पांडवादिवत कहा, कौन पांडव? जुआ खेलने वाले नहीं, हाँ, वो पांडव जिस समय की तपे हुए लोहे के आभरणों को पहना गया, अग्नि लगी तन में कहाँ गए वे, लोभी कर कौरव जूझ मरे रण में गए राज तज पांडवन को अग्नि लगी तन में। देखो, तन में जब अग्नि लग गई और आभरण पहनाए गए हैं और फिर भी अग्नि से जलने लगा शरीर, फिर भी तह कनय मज्ञत व्यम पे कनय साहबम न तम परिचय दी, तह नानी कम तविदोगी नानी तम जहरी। उसी प्रकार ज्ञानी भी कर्म रूपी अग्नि के द्वारा तपने के उपरांत भी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता, जैसे कि पांडव। धन्य है, यह जीवन कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? सुनते सुनते तो कान खूब सुन गए, लेकिन अभी भी रण की बात ही याद आ रही है, वन की बात तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। मैं हूं, मेरे सामने और कौन हो सकता है, रण की तो बात है और क्या है। छाती फुला फुला करके पर्याय बुद्धि को और समर्थित और पुष्ट बनाता जा रहा है, लेकिन अपना क्या कर्तव्य है, कर्तव्य से विमुख होता चला जा रहा है। ये सब मोह की, सघन मोह की माया की महिमा है। ये है मूढ़ आत्मा। कोसौ ख्याति पूजा लाभादि विभाव परिणाम अधीनतया परमात्म भावना च्युत सन मूढ़ात्मा एव इति वदति। ख्याति से, पूजा से, लाभ से, एक ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई भी इलाज ही नहीं है। ये ऐसी बीमारियां हैं कि ठीक हो गई हो गई हो गई और लग जाती, पूरी की पूरी जीवन पर्यंत इस रोग से मुक्त हो सकता और एकाध सेकंड में ये रोग लग भी सकता है। मरते दम यह बीमारी लग सकती है, मरते दम। हाँ, ख्याति पूजा लाभ, जीवन में कभी मान लो ख्याति मिली नहीं, कुछ भी मिली नहीं, और वह मरणासन था तो जाना ही है, और उस समय किसी ने आग्रह कह दिया कि यार तुमने तो इतना कमाल किया, हाँ ऐसे है, अच्छी बात है, नहीं समझे, उस समय भी उसके दम आ जाता है कि कम से कम एक आध बात तो सुन तो लू, अपनी पर्याय बुद्धि ये कहीं नहीं। संस्कृत में इसको ख्याति बोलते हैं तो प्राकृत में उसको खाई बोलते हैं। खाई का मतलब क्या है? दो अर्थ हैं। खाई का मतलब खाई जिसको कोट के चारों ओर रहती है, राउंड खाई जिसमें पानी भरा रहता, देख लो तो गिर जा सब समाप्त हो जा, ये खाई है। और दूसरी खाई, बस ख्याति के द्वारा तो आत्मा तो खाई गई, तो खाई साधना खाई, खाई रह गई, खाई गई वो आत्मा सब चौपट हो जाती है, जिसके सामने सब कुछ वह देने के लिए तैयार हो जाता, तपस्या भी लुट जाती है। सुनो कि वह जो नारायण प्रतिनारायण बनते हैं उनकी क्या कथा है। आज रविवार है क्या? अच्छी यार, ख्याति की बात तो आई गई, तो ख्याति कैसी होती है? तो आचार्य कहते हैं जिन्होंने रत्नत्रय की साधना की जीवन में, और ऐसी रत्नत्रय की साधना की है कि निर्दोष रत्नत्रय की साधना की है,
और किसी भी प्रकार से प्रलोभन को स्थान ही नहीं दिया, लेकिन एक वैभवशाली देव या और कोई भी चक्रवर्ती या और कोई भी नारायण प्रतिनारायण और अपने सेना के साथ या परिवार के साथ खूब हाथी पर जो झूमते हुए आ जाते हैं और इनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। धन्य है प्रभु आपका यह तप, आप क्या कह रहे हैं, आप अपने आत्मा कल्याण कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसे हैं। अरे ये कहता है हमें भी कम से कम ऐसा ही एक बार व्यवहार मिल जाए, ले मिल जाए और यह तप का वैभव धूल में मिल जाए, वही परिणाम निकलता। डायरेक्ट तो नहीं हो पाता किंतु वह जाता है स्वर्ग और स्वर्ग से नीचे उतर करके आ जाता है तो नारायण प्रतिनारायण। इंद्र पद ने भी है जिसकी की है शुभ आराधना। निश्चित बात कि नारायण नर से नहीं होता, नर से यदि नारायण हो जाता है तो प्रभु बन जाता, देव से नारायण बन जाता तो निश्चित रूप से क्या कहें और वह कोड़ी की कीमत में सब बेच करके चला जाता। ये सब इतिहास इसी से ज्ञात हो जाता है कि किसका प्रतिफल है, हमारी भी इस प्रकार की ख्याति हो जाए, हमारा भी इस प्रकार का नाम हो जाए, हम भी इस प्रकार वैभवशाली गिराएं, हमारे इर्द गिर्द नौकर चाकर आदि छाट पाट हो, हम हाथी के ऊपर डोले, हाथी हमारे सारे से चले, ऐसी बात सुनना या देखना चाहता है तो तप को बेच ले, बिक जाता है और ये चमक दमक के कारण उसकी तपस्या धूल में मिल जाती है। हे प्राणी, तुमने इस प्रकार के प्रलोभन में आकर के जिसके माध्यम से अविनश्वर सुख का लाभ मिलना था उसको तो तुमने गंवा दिया। वह मूढ़ किसान माना जाता है जो हरी भरी फसल को नहीं हरी भरी घास को काट करके रख लेता है, बहुत भरा हुआ है कि पूरे पूरे खेत भरी हुई है और इतने दाना हमने डाले थे, निश्चित रूप से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, जानवर खाने योग्य है वो, तुम नहीं खा सकोगे। हाँ, जब यह फसल आकर के खड़ी हो जाएगी, धान निकलेगा तो यह भूसा भूसा है, ये तुम्हारा भूषण नहीं है, ये भूसा है, इसको हवा में उड़ा दिया जाता है, इसमें कोई तत्व नहीं है, सार नहीं है। इसलिए कि जो कोई भी तप के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, दान के माध्यम से ख्याति पूजा लाभ चाहता है तो वह एक प्रकार से धर्म को भी अवमूलित करता चला जा रहा है। जिस देश की मुद्रा अवमूलित हो जाती है उस देश को दरिद्रता बहुत जल्दी आने वाली ऐसा माना जाता है। उसी प्रकार जहां पर धर्म का मूल ही समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से वह दिवालिया बनने वाला है, ज्ञान उसका लुटता जा रहा है, इसलिए धर्म के मूल्य को उसने कम करके जो धन का मूल्य आंकता चला जा रहा है वह मूढ़ात्मा माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति तप रिद्धि इत्यादि प्राप्त कर रखी थी लेकिन ख्याति पूजा लाभ के कारण खाई में गिर जाता है और अनंत भव संसारी वह बन जाता है। अपने को उन पांडवों के समान ही तप करना है, धर्म करना है, ध्यान करना है, दान करना है। जब धर्म वन में चले गए उस समय तो अग्नि के द्वारा जलते हुए भी तन की ओर फिक्र नहीं की, जब वह धर्म घर में थे उस समय में भी उनका क्या कहा जाता है, ये तो धर्म कितने धर्मात्मा हैं, दान देने वाले हैं। एक बार की बात है, क्योंकि रविवार की बात है, ये बात सुनी धर्म की बहुत दूर दूर तक चली गई तो एक व्यक्ति सोचता कि हम भी चले धर्मनाथ के पास और कुछ मांगे, और मांगे मिल जाएगा अपने को भी, किस समय चले जाएं,
किस समय भी चलो, जब बैठे देखने में आ गए तो आ गया। महाराज आपके विरोध सुनकर के आए, मतलब आपकी प्रशंसा, आपके आपका बड़प्पन सुनकर के हम आए हैं, और इसके सामने हम क्या कह सकते हैं? ऐसा कहा, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे मैं ये साथ कर रहा हूं, उन्होंने तो अपने हाथ बाएं हाथ लो, प्रभु इस हाथ से दे दो, इस हाथ से राइट हैंड, राइट हैंड, ये तो लेफ्ट है, इस हाथ से दे दो। अरे पागल का है, जल्दी जल्दी लेना तो ले ले। हाँ, इस हाथ को मालूम पड़ जाएगा तो क्या पता ये दिमाग है, दे या नहीं दे, इससे बोली बुलवा लो और ले लो जल्दी जल्दी, नहीं तो वो पितुरी आ जाएगी कि इस हाथ का मामला इस हाथ तक ज्ञात नहीं होना चाहिए। वो क्या था मालूम है? ना ही हजामत कर रहा था, उनके बाल बना रहा था, और वह सोने का कटोरा था, उसमें पानी था। संभव है सोने का भी कटोरा हो सकता है और रत्न का भी कटोरा हो सकता है। ले जा जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर बाद में तांबे का भी मिलने मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मन है तो सुबह से शीघ्रम वाली बात है। इसको कभी भी आप विश्वास की दृष्टि से न करिए कि हमारे अगली घड़ी जो है ना दान में तप में त्याग में जाने वाली है, कोई भरोसा नहीं, माइंड फेल हो जाए। अभी तक रिकॉर्ड है कि फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास आता है, लेकिन इसलिए फाइनल भी आ जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रमाद न करिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तूफान मैं कहने वाले भी यहां पर हार करके चले गए हैं, इसलिए तुम अपने मैं के ऊपर विश्वास मत करिए, मन का भी भरोसा न करिए, और उसको अपने तरफ से उस ख्याति पूजा लाभ से दूर रखिए। नहीं चाहने वाले भी चाह जाते हैं, क्योंकि वह प्रलोभन ही एक ऐसा प्रलोभन रहता है। तो इसलिए और कोई नहीं, मूढ़ात्मा ही इसमें मात खा जाता। जननी जनन विकंत खरूर सुविधो, पुत्तु पुत्तु होना चाहिए, पत्तु हो गया। माया जालु वे अपण मूढ़ो मन नहीं सो, ये माया जा, ये किसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष है, ये कभी भी हाथ नहीं लग सकता, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमें मिल रहा है, मिलता नहीं है। हाथ से अभी तक किसी ने गंध को नहीं पकड़ा, हाथ से किसी ने अभी तक धूप जो सुनहरी है उसको नहीं पकड़ पाए, हाथ से कोई भी वायु को इसने नहीं पकड़ा। लगता है कि हमने पकड़ लिया, नहीं, आपकी मुट्ठी बंधी रह जाएगी, भीतर कभी धूप घुस नहीं सकती। क्यों? मुट्ठी बंद हुई नहीं, धूप भी मुट्ठी के बाहर आ गई। मुट्ठी खोल दो तो लगता है कि अपने अंजलि में धूप है, इसको बंद कर लिया जाए, बंद करो तो ऊपर धूप आ जाती है, देख लो तो पुनः धूप निकल जाती है, लेकिन भीतर धूप नहीं रहती। माया जाल है कि लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, जब खाली हाथ रह जाता है। बांध करके आया था और खाली हाथ चला जाता, मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाना है। इसको जाना कभी आपने? जाना जाना तो है हाथ पसारे, लेकिन कभी जाना है? किसी को दूसरे को देखा है लेकिन दूसरा तो बावला था, इसलिए हाथ खाली करके जा, हम जाएंगे तो बिल्कुल बंद करके चले जाएंगे,
ये दूसरे के बावलेपन को तो देखता है लेकिन स्वयं के लिए भी वही नौबत आने वाली है। ऐसे कहने वाले ऐसे करने वाले पचासों नहीं करोड़ों अरबों हो गए। यहाँ पर बहुत सारे आए और चले गए, सब अपनी अपनी करामत दिखा के चले गए। अपने अपने करामत है, आए और चले गए, लेकिन मुट्ठी बांध करके आए थे, हाथ पसार करके ही जाए। माया जाल का यह परिणाम ज्ञात नहीं हो पाता है कि वह ये माँ है, यह पिता है, ये पति है, ये घर है, ये पुत्र है, ये तो मेरा मित्र ऐसा है कि क्या बताएं। मेरी छाया कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन ये तो वाह वाह, होना तो ऐसे चाहिए। ये मित्र भी दगा देगा, ये पुत्र भी दगे हैं, कोई सगा नहीं है, या कोई भी सगा नहीं, साथ कोई भी नहीं चल सकता, क्योंकि साथ कोई हो ही नहीं सकता। आत्मसात करके देख लो, सब साथ तो साथ रहते हैं लेकिन आत्मसात नहीं हो सकते। साथ तो है बिल्कुल, साथ है, क्या औरों के क्या बताते हो, नारी चली गई, अरे नारी चली गई जो बीच में आई थी और बीच में चली गई थी, क्या बात हो गई, जो साथ आई थी ये नारी, नारी नारी बोलते ना नारी, और वही जब साथ छोड़ देती है तो बीच में आई हुई जो नारी है, नारी वो आई और चली गई तो इसमें क्या विस्मय कर रही है, वो समझ में नहीं आता, रोते बैठ जाते हैं, तेरे ही बना दो चोरे ही बनाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं सुधूता। नारी भी जब चली जाती है तो साथ ही उत्पन्न हुई थी, उसी के माध्यम से प्राण वाण कहा गया था, लेकिन अब वह नारी जब चली गई तो बीच के जिसके साथ विवाह संबंध हो गया था वो चली गई तो क्या है, वो तो भीतर की नारी भी चली गई, तो ये बार बार रहती थी, साथ रहती थी, लेकिन आत्म साथ नहीं कोई होते। इसलिए हे शुद्धात्मन, तेरी नारी तो तेरी शुद्धात्मानुभूति ही है। बात तो ठीक है लेकिन फिर भी बात इतनी कहने में तो आई जाती है, स्वयं चली जा रहा है तो चला गया, उसको रोने वाले कोई नहीं, दूसरा कोई यहां चला जाता तो उसके लिए हम रोवे, धन्यवाद। वह तो जा रहा है सीधा सीधा, रो नहीं रहा है, और इधर हम रोवे, लोग क्या कहेंगे, अरे उसके पीछे भी तो लोग थे क्या, नहीं क्या पत्थर, तो सोचो तो विचार करो, एक के पीछे सारे सारे बावले हो रहे हैं, सब रो रहे हैं हजारों मिलकर के, और वह जा रहा है, कोई आकर के पूछता तक नहीं, आप मत रो, हम तो शांति के साथ ठीक ठाक है, रोते जाओ तुम तो हमारे नाम से, हम तो काम कर रहे हैं। बावली है ये इंद्रजाल, इसी को बोल रहे हैं आचार्य, कहते हैं इसी का नाम मोह का परिणाम है, जो गया वह लौट करके आया नहीं और कहता नहीं, एक दिन भी स्वप्न में भी आकर कहता नहीं, जब कभी स्वप्न में आ भी गया मान लो तो सुबह सुबह उठते ही रोना धोना और प्रारंभ होता, देखो वो आया था कहां, क्या पता कितना दुख पा रहा होगा, हम तो यहाँ पर खा रहे पी रहे सब कुछ नहीं खा रहे, वो तो आपको याद तक नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए सूतक लग गया और वह एक सेकंड नहीं होता, आराम के साथ देव यदि हो जाता है तो आराम के साथ वह उपवास दे जन्म लेता, अंतर्मुख हुआ नहीं, यहाँ रोना धोना हो रहा है, उनको सूतक नहीं, बिल्कुल नहीं, एक सूत भी संबंध नहीं मानता, सूतक किसको बोले है ही नहीं, वो आकर के कह भी दे तो आप लोग नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे तो अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, देखो कल ने परसों तुम्हारा आज लड्डू खाने लगे, अभी यहां पर मरा हुआ है और वो लड्डू खा रहा है अच्छे ढंग से,
है, जाना इसको। सब कुछ पद्धतियां ऐसी हैं, घुस गई ये सब माया जाल की घुस गई। अपने शुल्लक जी कहते हैं, लग जी कि जब जीवित था उस समय तो मारते थे, और मरने के उपरांत क्या कहते, हाँ, जी बाप को मारे डंडा, मरे बाप ले गए धंधा। गंगा, अच्छा अच्छा बात एक ही है, मरे बाप को ले गए खंदा। हमने खंदा कह दिया तो कंधे पर तो बिठा देंगे, ले जाते हैं भाई, तो वहां पर डालेंगे, बाद में डालेंगे, पहले तो खंदा तो देंगे, इसी के तो खंदा कहते हैं। गंगा तो बाद में आ जाती है, पहले खंदा आता है, ठीक ही तो है। जीवित बाप को तो दे दे डंडा, और मरे बाप को ले गए गंगा। ये कहावत क्यों पड़ी, ये कहावत क्यों पड़ी, ये तो होता है काम, इसी को देख करके तो कह दिया गया कि बस बात तो यही है। ये किसको बात सुन ली, तो आप लोगों की बात, रोजमर्रे की जो बात है उसी को सुनकर ये कहा गया। ये हो रहा है, और ये ऐसा मायाजाल है, ऐसा ही है मैस्मेरिज्म जिसको बोलते हैं। हाँ, किसी से नहीं छूट सकता, कुछ वैराग्य तो आ जाए, गंभीरता तो आ जाती, लेकिन वैराग्य नहीं आता। गंभीरता इसलिए तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे से गंभीरता आ जाती है, नहीं समझे, गंभीरता इसलिए आ जाती, देखो ये क्या है, कैसे ऐसी मजाक करते बैठे, अभी भी तो बाप मरा, ठीक है क्या बात हो गई। बाप मरा का अर्थ क्या, बाप के लिए बेटा भी तो मरा है, ये तो समझ में आ जाए। बच्चे के लिए यदि बाप मर गया, तो जो बाप मर गया उसके लिए बच्चा भी तो मर गया, नहीं मन मरा नहीं माना जाएगा। अरे ये तो संबंध था, संबंध टूट गया, ये तो कबूतर चला गया है, तो यहां का वहां चला गया, इसलिए तो वह मर गया, और हम यहां पर रह गए तो उनके अपेक्षा नहीं मरे। बात बिल्कुल ठीक है, संबंध ही टूट गया, अरे ये समझते नहीं। आप देख लीजिए, क्योंकि रविवार है, अनुमान के माध्यम से बता रहा हूं, किसी के यहां घर में लड़का था, और नहीं पिताजी वगैरह बेचते, लड़का होनहार था, अच्छा जवान हो गया, और पिताजी अंत में जाते समय कहते, देखो बेटा ये हमारी कुल परंपरा है, अड़ोस पड़ोस के काम में नहीं आना, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, ये पाई नहीं, यदि आ जाती पाई तो अच्छा समझ लेना, और मैं भी खुशी का अनुभव करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है, इतने पसीना बहा करके तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, उन लोगों ने हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, इसलिए एक पाई भी ना जाए, बस ध्यान रखना, तो निश्चित है तुम बेटा हमारे और मैं तुम्हारा बाप, यदि नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल पिताजी ठीक है, और पिताजी का अवसान हो गया, पिताजी का आप कहा हुआ है वचन है, हम छोड़ेंगे नहीं कभी भी। और पिताजी का जन्म कहां हुआ, पड़ोस में, पाए पाए इकट्ठा पिताजी ने किया था, अब वो आता है इधर घर में, थोड़े से मेरे बेटा कुछ दे देगा, अरे लात देता, हमारे पिता की बात कभी भी मैं भूलूंगा नहीं, आज वह मान लो उस समय जाति स्मरण भी हो जाए पिताजी को, नहीं समझे, पिताजी को जाति स्मरण भी हो जाए, नहीं बेटा तुमको मेरे बेटा वाए झूठ बोलता है, हमारे पिताजी ने ये कहा था, अंतिम समय में भी ये कहा था, देखो पड़ोस के अड़ोस के ऊपर विश्वास नहीं रखना, ये सब लोगों ने अन्याय किया हमारे साथ, एक पाई नहीं देना, लाख देना देने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं देना, विश्वास नहीं होता, वो जाति स्मरण हो जाए कि बिल्कुल उसको छाई समय दर्शन भी हो जाए पिताजी के जीव को, तो भी वह लड़का नहीं मानेगा, वही पिताजी हमारे प्रीवियस फादर,
प्रेजेंट नो, नहीं करेंगे बिल्कुल। वो हमारे पिताजी गए, तुम धोखा दे रहे हो। हमारे पिताजी बिल्कुल स्वीकारता ली थी, प्रतिज्ञा करवाई थी, देख लो पड़ोस में किसी भी प्रकार से नहीं आए, ध्यान रखना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा बेटा, आपको मैं दुख कभी भी नहीं दूंगा, ये निश्चित रखिए आप, जहां कहीं भी रहिए विश्वस्त रहिए आप, ये बात होगा नहीं। क्या है ये सब नाटक, पिताजी की बात मान रहे हैं, ये मायाजाल है। ये बातें यहां तक तो समझ में आ जाती है, लेकिन धर्मशाला के बाहर क्यों नहीं आती? ये कहा तो हमने ये कहा है, लेकिन देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के ही परिणाम होते, यही तो माया जाल, बाहर जाते ही वहां की हवा लग जाती है, इसलिए वह व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाता। मोह का एक ऐसा चक्कर है, वह बड़े बड़े व्यक्ति भी इसके गहन में आ जाते हैं। अच्छे स्पीकर तो बोलने वाला वकील भी क्यों ना हो, किंतु वह यदि शराब का मद्य का सेवन करेगा तो उसके पॉइंट जितने भी है सब गायब हो जाएंगे। मोह का यह परिणाम है, माया जाल है, इसको समझो। ना पिता पत्नी जो कुछ भी हो, सारे घर को जननी माता जनन पिता भी समझ आ रहा हूं, कांता भार्या ग्रहम पुत्रो भी मित्रम अपी द्रव्यम सुवर्णादि यत् सर्वम, तो सारे के सारे माया जाल है। माया जालम अपी असत्यम अपी कृत्रिमम अपी आत्मीयम सकीयम मन्यति, इस माया जाल को भी, असत्य को भी, अपने से भिन्न को भी, कृत्रिम को भी अपना मानता है कौन? मूढ़ो मूढ़ात्मा कति संख्योपेतम अपी सर्वम अपी, जो कुछ भी है चित्त सुमात्र सबको वह अपना मान। भावार्थ क्या है? जनन्यादिकम परस्तु पर स्वरूपम अपी शुद्धात्मनः भिन्नमपि हेयस्य अशेष नारकादि दुःखस्य कारणत्वात् हेयमपि साक्षात् उपाधि भूतान् अनाकुलत्व लक्षण पारमार्थिक सौख्यात् अभिन्ने वितराग परमानंद एक स्वभावी शुद्धात्म तत्व ही होती है। ये सभी चीजों को जो अपने शुद्ध आत्म तत्व है उसके साथ नियोजित करता है, इसलिए वह शुद्धात्म तत्व का भान नहीं कर पाता, जो कि साक्षात उपाधि भूत है शुद्धात्म तत्व, जो कि पारमार्थिक सुख का रूप है वह, किंतु वीतरा परमानंद या वीतरा परम समाधि का अभाव होने के कारण शुद्धात्म तत्व के साथ उसका संबंध जुड़ता नहीं। उसमें कारण यही है, इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से बाहरी पदार्थों को अपना विषय बनाता है और इंद्रिय ज्ञान का व्यापार कम कर देगा या बंद कर देगा, निश्चित रूप से भीतरी आत्म तत्व का वह दर्शन उसे प्राप्त होगा। मनोवचन काय व्यापार परिणत स्वशुद्धात्म द्रव्य भावना शून्य मूढ़ात्मा इति, ये वाक्य बहुत मार्गिका है। मन वचन और काय के व्यापार से जो परिणत हो जाता है वह व्यक्ति स्वशुद्धात्म द्रव्य की भावना से निश्चित रूप से शून्य होता है, क्योंकि मन के द्वारा तो भावना करनी थी और वह मन का व्यापार बाहर की ओर आ गया। इसलिए मन वचन काय का व्यापार परिणत होने से ही माया जाल के चक्कर में आ जाता है, सही को सही नहीं, जो झूठ है उसको सही मान करके चलता है, माया जाल का परिणाम है। मृत्यु के बाद एक बाल का अंतर स्वर्ग रहता जो ऊर्ध्व लोक आता है, नहीं समझे? बाल का भी यदि और अंतर रहा है तो भी वह मध्य लोक की सीमा ही मानी जाती है, भले ही बारह गुण स्थान से अब उनको केवल ज्ञान होने में अंतर्मूर्त लगने वाला है, ठीक है, लेकिन जब तक अंतर जल चलेगा तब तक के लिए यह बात कभी भी घटित नहीं होगी। हाँ, मूढ़पना उसका कम होता 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 जा रहा है और वह पूर्णपने की ओर है, यह अवश्य है, लेकिन मन वचन काय का व्यापार यह बता रहा है कि वह बाहर अभी चल रहा है, अब बुद्धिपूर्वक कह करके उसको छोड़ दिया जाता है, इतना है।